हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक इजी वे बताता हूँ यूके में आने का, वो भी वर्क वीज़ा पर 5 साल का। आपका एक रुपये भी खर्च नहीं होगा। अगर आपने ना इंडिया में बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग की है तो यूके गवर्नमेंट आपको 5 ईयर का वर्क वीज़ा देगी और आपका एक रुपये भी खर्च नहीं होगा। कैसी क्या प्रोसेस है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि इंडिया में ना मेरी वाइफ भी ना रजिस्टर्ड नर्स थी, लेकिन मेरे को ये रास्ता पता ही नहीं था। और जब पता चला तब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मैं फ़ीस भर चुका था। तो मेरा 26-27 लाख रुपये लग गया है। अगर पता होता तो मेरा एक रुपये भी नहीं लगता। तो मैं कम्प्लीट प्रोसेस बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ना आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ना, देखो मेरे कोई ज़्यादा फॉलोअर्स है नहीं, कुछ ज़्यादा व्यू भी नहीं आते, तो कुछ ही लोगों के मेरे पास ना मैसेज आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, इन ऑल कुछ ही लोगों की आती है। लेकिन ना वो जो लोग हैं ना टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आना चाहते हैं, या टूरिस्ट वीज़ा उन्होंने लगा दिया है और उनके माइंड में ये रहता है कि एज अ टूरिस्ट वीज़ा वो यहाँ पर आएंगे और स्पॉन्सरशिप ढूंढ लेंगे, तो भाई ऐसा मत करो। टूरिस्ट वीज़ा पर आप आओगे तो स्पॉन्सरशिप आपको ऐसे नहीं मिलने वाली है, और आपका टूरिस्ट वीज़ा पे ना 3-4 लाख रुपए जो भी है वो वेस्ट ही चला जाएगा, और आप लीगल तरीके से यहाँ पर जॉब भी नहीं कर पाओगे। ना वर्कर्स की बहुत कमी है यार, बहुत ज़्यादा कमी है। यूके गवर्नमेंट ना स्किल्ड वर्क वीज़ा दे रही है 2 साल का। कैसे दे रही है, क्या दे रही है, इसकी नॉलेज तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन आप ना गूगल पर जाओ, यूके गवर्नमेंट की साइट पर जाओ, एजेंट से कॉन्टेक्ट करो, तभी हो पाएगा ना। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखने से सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी का कुछ नहीं होने वाला है। और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही कम लोग देंगे आपको एज ऑन एक्चुअल। YouTube पर ना लोग बस आपको एक गाइड ही कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। करने वाला बंदा इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी 500 रुपये में भी जाके ना कहीं भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, अगर उसको करना है तो। मैं आपको ना डिमोटिवेट नहीं कर रहा, या फिर मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, प्लीज़ उसको गलत भी मैं मत लेना, लेकिन आपको अगर करना है तो आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूँ यार, आप एक चीज़ के पीछे लग जाओगे ना दिलो जान से तो हो जाएगा। कि वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, प्लीज़ आप अच्छे एजेंट से कांटेक्ट करो। ऐसा नहीं है सारे एजेंट्स गंदे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं जो प्रॉपर काम करते हैं। आप उनको सर्च करो, कहाँ करना है, कैसे करना है नहीं पता मुझे, वो ना आपका काम है, आपको करना है। मेरा काम है आपको ना गाइड करना है। यार मेरे को इतने नॉलेज नहीं है सच में भी यार, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे से जितना हो पाता है ना मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, लेकिन ना बाकी का काम तो आप ही को करना है ना यार, तभी हो पाएगा। रिक्वेस्ट है, इसको गलत भी मैं मत लेना, मैं बस आपको ना मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो और आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नर्सिंग की बात करता हूँ कि यहाँ पर ना 5 साल का वर्क वीज़ा यूके गवर्नमेंट दे देती है अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको आइल्स देना है, वो भी जनरल कैटेगरी में, और आपका 6.5 या 7 वेंड ईच आना चाहिए। उसके बाद एक एग्ज़ाम फाइट करना रहता है, वो रहता है OSCE का, फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये आपको एग्ज़ाम फाइट करना रहता है। और इसका कैसा क्या सीन है, देखो ना इंडिया में बहुत सारी एजेंसी हैं जो ये एग्ज़ाम फाइट कराती हैं, आपका एक रुपये भी नहीं लगता है। वो यूके आपको 2 से 3 मंथ के लिए भेजती हैं, और जो भी पैसा रहता है वो यूके गवर्नमेंट एजेंसी को देती है, क्योंकि यहाँ पर नर्सिस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपके पॉकेट से एक रुपये खर्च नहीं होगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ भी इंडिया में नर्सिस थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, और जिस डिपार्टमेंट में, सॉरी जिस हॉस्पिटल में वो थी ना, वहाँ से एक दीदी आए हुए हैं, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई हुई है। एक्चुअली इंडिया में ही बता दी थी, लेकिन काफ़ी लेट मेरे को ये पता चली थी। मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर चुका था और कैश भी मेरा आ गया था, सब कुछ हो गया था, उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चली थी। अगर पहले पता चलती तो मेरा इतना पैसा खर्च नहीं होता और 5 साल का मुझे वर्क वीज़ा ईजिली मिल जाता, वो भी यहाँ पर NHS हॉस्पिटल, मतलब कि यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं उसमें मेरी वाइफ को जॉब मिलती और पैकेज भी बहुत अच्छा रहता। तो इतना कॉन्फिडेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बंदी आई हुई है इसी के थ्रू, वो भी एक रुपये नहीं लगा, वहाँ एजेंसी ने उनको यहाँ पर यूके में भेजा, उन्होंने एक मंथ की समथिंग यहाँ पर जो है सेल्फ पढ़ाई की, उसके बाद एग्ज़ाम फाइट किया और उनका हो गया। आज वो ना NHS हॉस्पिटल में ना जॉब कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ 4 दिन जॉब करते हैं, और £2700 उनका मंथली पैकेज है। आपने ये किया है ना तो प्लीज़ उठो और सर्च करो, रिसर्च करो, हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा वे है। मेरे को पता नहीं था, वरना ना बहुत पैसा बच जाता है मेरा। खैर,
कोई ना, मैं हो गया है जो होना थी, लेकिन ना आपके साथ नहीं हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा मामा का लड़का है वो बीएससी नर्सिंग सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको यूके आना थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये एग्ज़ाम फाइट करना रहता है, उसको बस ये रिमाइंड में था कि नर्सिंग की जो डिमांड है वो फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा है। अभी उसका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है, फोर्थ ईयर में आ गया है, और देखना मैं उसको ना बिना एक रुपये खर्च किए हुए इसके थ्रू यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा लाने की। तो आप भी आ सकते हो, प्लीज़ डू इट। आपको बस एक एग्ज़ाम फाइट करना है, आपको बस एक आइल्स देना है, और जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, लाइक आपका डिग्री हुई और जो भी क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बीएससी एमएससी नर्सिंग वालों के, वो इजीली मिल जाते हैं। तो प्लीज़ करो ना, बस प्लीज़।